जय हिंद। मैं हूं सीनू तिवारी और मैं आज आपके लेकर आया हूं बहुत ही शानदार क्लास। हम देखने वाले हैं आज जुलाई माह के सबसे महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर के सवाल। सर ये तो एक सीरीज है। जी हां ये एक सीरीज है। 6 माह पहले ही हम देख चुके हैं, हम करंट अफेयर का छक्का लगा चुके हैं। अब 7वां माह आ जाता है जुलाई माह। इसी प्रकार पूरा वर्ष हम खत्म करने वाले हैं और इसी प्रकार के सवाल आपके SSC बैंक रेलवे स्टेट एग्जाम या किसी डिफेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को मिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आपकी परीक्षा के लिए खास। तो सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। यहां पर सवाल है कि कहां हुए थे, यह तो महत्वपूर्ण है। भारत का स्थान भी आपसे पूछा जाता है और गोल्ड कितने पाए हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे। बिल्कुल शुरू हुआ है लिखा था, तो यह जुलाई के संदर्भ में लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं नवंबर माह में, तो इसका तर आपको बताना है ब्रिटेन में हुए थे, रूस में, जापान में या अमेरिका में। कहां हुए थे 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हम देख सकते हैं यहां पर बर्मिंघम लिखा हुआ है और पेरी द बुल को भी हम देख सकते हैं। ये यहां का शुभंकर था सर, पेरी द बुल शुभंकर, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बर्मिंघम होता है ब्रिटेन में। अगर हम देखते हैं कुछ राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, कुछ देखते हैं किसके बारे में देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देख रहे हैं सर, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देख रहे हैं। तो इसका संस्करण कौन सा हो गया सर, जो हमने देखा हुआ है 22वां संस्करण देखा हुआ है, जो कि कहां हुआ था, बर्मिंघम में हुआ है सर, बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ है सर, ब्रिटेन में हुआ है, बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ है। 22 ये हमने देखा, ये कब हुआ है सर, तो 2022 में हुआ है सर, 22 में 22वां हुआ है। और एक और चीज भारत की आती है 22 से, भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं, तो यह भी 22 हो जाता है सर। बिल्कुल, तो 22 यहां भी हमने देखा, भारत के स्वर्ण 22वां संस्करण हो जाता है, 2022 में इसका आयोजन होता है, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं सर, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं सर। बिल्कुल, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। पेरी द बुल हमने शुभंकर देखा हुआ था, 16 इसके पास होते हैं सिल्वर, जिन्हें बोलते हैं रजत पदक, और इसके अलावा 23 इसके पास होते हैं ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कांस्य पदक। कुल मिलाकर 61 मेडल हो जाते हैं भारत के, और इसके साथ ही भारत आता है चौथे स्थान पर। आपको याद रखना है, चौथे स्थान पर आता है भारत राष्ट्रमंडल खेलों में। 2022 का संस्करण था, आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ खिलाड़ियों के नाम जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एक होता है उद्घाटन समारोह और एक होता है समापन समारोह, जो उसका आगाज होगा उसका अंत भी होगा। तो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह की अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। उद्घाटन में कौन कौन होते हैं सर, तो पी वी सिंधु जी होती हैं, ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली एकमात्र महिला हैं ओलंपिक खेलों में, और इसके अलावा मनप्रीत सिंह कौन है, तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हो जाते हैं मनप्रीत सिंह, आपको याद रखना है। समापन समारोह में कौन कौन होते हैं सर, तो पहले हम देखेंगे निकहत जरीन एक मुक्केबाज हो जाती हैं, बॉक्सर हो जाती हैं, निकहत जरीन हो जाता है इनका नाम, निकहत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक ने जीता हुआ था। और इसके अलावा शरत कमल हो जाते हैं सर, शरत कमल 2022 में 2023 तक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम। क्यों सर, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का सम्मान शरत कमल जी को प्रदान किया गया है, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं और एकमात्र खिलाड़ी हैं। अभी तक कई खिलाड़ियों को प्रदान किया जा रहा था, 25
लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अधीन, लेकिन इस वर्ष सिर्फ एक ही खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, उनका नाम है शरद कमल जी। बिल्कुल, ये आपने देखा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी लोग, हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 22वें राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन में होते हैं, पेरी द बुल, बर्मिंघम 2022। देखते हैं अगले सवाल में, यहां पर बात की गई है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहां शुरू की है। सर, बिल्कुल गोवा में, तेलंगाना में, गुजरात में या केरल में। अगर मैं यहां पर से एनटीपीसी हटा दूं, टाटा लगा दूं, तो इसका उत्तर तो केरल होगा, लेकिन भारत की बात की जा रही है, एनटीपीसी द्वारा बात की जा रही है, तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो कि भारत का 29वां राज्य बना था, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है, आपको याद रखना है। तीसरा सवाल है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं, गोल्डन बॉय हो जाता है इनका उपाधि, स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं, कौन सा पदक इन्होंने जीता है डायमंड में, तो आपको याद रखना है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, चैंपियनशिप की बात करते हैं, जो कि 2022 में होगी, उसमें बस इन्हें सिल्वर पदक हमें याद रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं ओलंपिक की बात करते हैं, तो इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, भारत का टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड इन्हीं के द्वारा ले आया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा डायमंड लीग में भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर एक होने वाला है। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, देख रहे हैं। अगला सवाल, ब्रिक्स की बात की जा रही है। सर, ये कीवर्ड भी आपको याद रखने हैं, पूरी लाइन आप रट नहीं सकते हैं, आपको कीवर्ड्स में याद रखने हैं। बिल्कुल, जैसे ब्रिक्स आ गया सर, बिल्कुल आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है, सवाल यह है। सवाल यह भी आ सकता है कि 2022 की ब्रिक्स बैठक कहां आयोजित हो रही है, आपसे ऑप्शन दे सकता है। तो हम देख रहे हैं 2022 का, यहां पर चाइना लिखा हुआ है सर, किस तरह हम याद कर सकते हैं बैठकों को, जैसे ब्रिक्स यहां पर लिखा गया है सर, ब्रिक्स लिखा गया है, ये हमें आई जो है हमें एक जैसा दिख रहा है, इसके आगे अगर 202 हम लगाते हैं 2021 बन जाता है, और आई से हमारा प्यारा देश भारत, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, भारत हमारा, तो भारत हो जाता है सर। मतलब भारत में तो इसकी मीटिंग्स हुई थी 2021 में, इसके बाद आता है चाइना 2022 में, इसके बाद आता है साउथ अफ्रीका 2023 में, इसके बाद फिर से शुरू से शुरू होगा, हाँ या ना, सभी को क्लियर होना चाहिए। फिर से शुरू होगा 2024 में, फिर से ब्राजील हो जाएगा, 2025 में फिर से रूस के पास आएगा। बिल्कुल, अध्यक्षता की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर बात की जा रही है कि ईरान के अलावा और किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो इसका उत्तर होने वाला है अर्जेंटीना। टीना नहीं है, अर्जेंटीना है। बिल्कुल नहीं है, अच्छे से याद रखना है, कोई टीना कोई लड़की का नाम नहीं है, अर्जेंटीना एक देश हो जाता है सर। नारी को नमन योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, नारी को नमन करता है ये राज्य, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो इसका उत्तर होने वाला है हिमाचल प्रदेश, सभी को याद रखना है। देखिए, यह रिवीजन वीडियो है, यहां बहुत ज्यादा व्याख्या करना उचित नहीं है, कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने हैं, 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा टारगेट रहने वाला है। ये 50 सवाल, इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये वादा है। देख रहे हैं अगला सवाल, अगले सवाल पूछा गया है नाटो के बारे में। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, नाटो बहुत ही ज्यादा चर्चा में खुद ही आ गया है, जो भी फैक्ट नाटो से आते हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है सर, स्पेन, नॉर्थ मैसेडोनिया, फ्रांस या जर्मनी।
अगर हम बात कर रहे हैं 2022 में इसका आयोजन तो हुआ है सर, नाटो की बात कर रहे हैं, मैड्रिड स्पेन में हुआ है सर, आपको अच्छे से याद रखना है। नाटो की स्थापना हो जाती है 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, 30 सदस्य हो जाते हैं ब्रुसेल्स हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, आपको याद रखना है। 30 सदस्य हैं, 30वां सदस्य कौन सा हो जाता है, 30वां सदस्य हो जाता है नॉर्थ मैसेडोनिया। इस प्रश्न का उत्तर है मैड्रिड स्पेन में होती है नाटो की 2022 का आयोजन, आपको याद रखना है। अब देखते हैं किस क्रिकेटर ने, बहुत ही शानदार सवाल है, आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, देखते हैं किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है सर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह। तस्वीर आप सभी ने देख ली है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर आपने क्रिकेट में इतना रुचि नहीं रखा है, आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे सर सवाल में कुछ तो गलत है, या तो आपको यह बोलना चाहिए कि एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन देने वाला खिलाड़ी कौन बना है, या तो यह प्रश्न हो सकता है, या तो यह प्रश्न हो सकता है कि एक टेस्ट क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले का विश्व खिताब किसका है, तो यहां पर यह तस्वीर भी नहीं आनी चाहिए सर, क्योंकि ये तो गेंदबाज है, गेंदबाज के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का किस प्रकार से विश्व रिकॉर्ड हो सकता है, इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह अजीबोगरीब सवाल है और इसी प्रकार के सवाल परीक्षक को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल हाँ या ना, सभी को क्लियर होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में, इसकी मेजबानी किस राज्य ने की है, आपको बताना है, क्या गुजरात हो जाता है, राजस्थान, गोवा या हरियाणा हो जाता है इसका उत्तर। तो यहां तस्वीर में हम देख सकते हैं 36वां लिखा हुआ है सर, यहां पर बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि है गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में है, यहां पर लिखा भी हुआ है। अगर आपने सिर्फ फोटो को ही याद में रखा हुआ है तब भी प्रश्न आप हल करने वाले हैं परीक्षा में, आपको अच्छे से याद रखना है, शानदार क्लासें हैं, एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है 36वें होने वाले हैं गुजरात में, सावज होने वाला है, सावज जो कि एक प्रकार का शेर है, सावज होने वाला है इसका शुभंकर, आपको याद रखना है। और अगर 36वें है तो 37वें भी होंगे, 37वें कहां होंगे सर, 37वें होंगे गोवा में, वही गोवा जिसकी राजधानी हो जाती है पणजी, हो जाती है राजधानी, मांडवी हो जाती है यहां की प्रमुख नदी, प्रमोद सावंत हो जाते हैं यहां के मुख्यमंत्री हो जाते हैं सर, आपको याद रखना है। सिग्मो महोत्सव भी यहां पर मनाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे, गुजरात में हुए थे, 37वें होंगे गोवा में, गुजरात गोवा दोनों में गा गा है, आपको क्लियर होना चाहिए। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, कैरोलिना विलावास का, सीनी शेट्टी, खुशी पटेल या शाइलिन फोर्ड, क्या हो जाने वाला है इसका उत्तर, तो इसका उत्तर तो होने वाला है सीनी शेट्टी, आप देख सकते हैं तस्वीर में सिनी शेट्टी को। खुशी पटेल कौन हो जाती है, फेमिना मिस इंडिया, अगर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करूंगा तो हो जाएंगी खुशी पटेल, शाइलिन फोर्ड कौन हो जाती हैं, मिसेज वर्ल्ड हो जाती हैं सर, मिसेज वर्ल्ड हो जाती हैं सर 2022 के लिए, हो जाती हैं सर शाइलिन फोर्ड हो जाती हैं। और मिस वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, मिस वर्ल्ड की अगर बात करते हैं 2021 के लिए, तो हो जाती हैं कैरोलिना विलावास का, आपको अच्छे से याद रखना है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इस प्रश्न का सही उत्तर सीनी शेट्टी हो जाएंगी, फेमिना मिस इंडिया, तस्वीर में आप देख सकते हैं। तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तस्वीर आप देख सकते हैं, यह प्रदान किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। देखते हैं अगले सवाल पूछा गया है, जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च
किया है, सेबी, सीबीएसई, यहां हम देख सकते हैं परीक्षा कौन कराएगा। आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परीक्षा हमने देखा हुआ है सीबीएसई ही कराता है परीक्षा, तो आपको याद होना चाहिए। सीबीएसई से याद आता है कि सीबीएसई के लिए चालू हो चुके हैं हमारे बैच। आप अगर कॉमर्स की तैयारी कर चुके हैं, साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो साइंस इजली में भी जुड़ सकते हैं, कॉमर्स इजली में भी जुड़ सकते हैं। लगातार शानदार क्लासेस चल रही हैं, नए बैच भी आ चुके हैं, आप जाकर उसकी जानकारी भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर CBSE होने वाला है। परीक्षा संगम पोर्टल, यहां पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हो जाती है। निधि छिब्बर क्या हो गया, निधि छिब्बर हो जाती है इसकी निदेशक, आपको याद रखना है, अध्यक्ष हो जाती हैं, निधि छिब्बर हो जाती हैं सर, निधि छिब्बर हो जाती हैं, आपको याद रखना है। 1929 में दिल्ली में हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, अच्छे से याद रखना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ भाग लेंगे, भारत, इटली, इंडोनेशिया या जापान। अगर G20 की बात की जा रही है सर, माफ कीजिएगा, अगर G20 की बात की जा रही है, 2022 की बात की जा रही है, तो इसके सारे उत्तर कौन से होने वाले हैं सर, इंडोनेशिया होने वाले हैं, इंडोनेशिया होने वाले हैं, इंडोनेशिया होने वाले हैं। और फिर 2023 की अगर बात करूंगा तो इंडो तो रहेगा, बिल्कुल इंडो तो रहेगा, नेशिया निकल जाने वाला है, मतलब 2023 की बात कर रहे हैं तो इंडिया रहने वाला है, हमारा प्यारा देश भारत रहने वाला है। 2022 की यहां पर बात की जा रही है, 2022 की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर होने वाला है इंडोनेशिया। वसुधैव कुटुंबकम 2023 में भारत में जब होगा तो उसकी थीम होने वाली है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, इसका उत्तर होने वाला है मोहन बानी। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है। दामोदर मौजो कौन है, मौज उड़ाई थी इन्होंने, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था सर, आपको अच्छे से याद रखना है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामदर्श राम के दर्शन आपको कब होंगे, जब आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा। 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, रामदर्श मिश्रा जी को मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर मोहन वानी। यहां तक सभी को क्लियर होगा, बिल्कुल। आपको किस तरह करना है, आपके सामने यदि यह प्रश्न आता है तो पहले आपको रोकना है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर बताने हैं, उसके बाद आपको अपने सही उत्तरों को काउंट करना है और फिर लास्ट में बताना है कि 50 में आपके कितने सही थे। ये तो पहली बार में सर, और जब आप दूसरी बार करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये 50 में मान लीजिए आपके अभी 25 सही हैं, तो फिर दूसरी बार में आप 49 करने वाले हैं, फिर तीसरी बार में आप 50 में 50 करने वाले हैं। जब तक आप 50 में नहीं आते हैं तब तक लगातार आपको करते रहना है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा कर दी है, क्रिकेटर में मतलब क्रिकेट में देने की बात की गई है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली या भारत। तो भारत के 39D में, भारत के संविधान 39D में लिखा हुआ है इसके प्रावधान के बारे में, पुरुष और महिलाओं के समान वेतन के बारे में, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्रिकेट में देने की बात की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। आप सभी को क्लियर होना चाहिए, न्यूजीलैंड हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है, तो पहले यह मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, अब यह मंत्रालय चला गया है अतिरिक्त प्रभार में स्मृति ईरानी जी के पास, जो कि अमेठी से लोकसभा सांसद हैं, आपको याद होना चाहिए। और ये हो जाते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, इनके पास इस्पात मंत्रालय था, कौन सा मंत्रालय था सर, इस्पात मंत्रालय था, तो यह चला गया है किसके पास अतिरिक्त प्रभार में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास चला गया है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का, तो इसका उत्तर हो जाता है स्मृति ईरानी। सभी को यहां तक क्लियर, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है, पहली महिला भी पूछा हुआ है सर, पहली महिला कौन है, तो आप देखेंगे रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा, तो यहां पर ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, एक ही महिला है, तो यही आपका उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। और यहां पर एक और चीज पूछी हुई है, दूसरी भारतीय,
मतलब एक और भारतीय रह चुके हैं, तो वो हो जाएंगे रघुराम राजन हो जाएंगे फर्स्ट। आप तस्वीर देख सकते हैं, रघुराम राजन आपको देखने को मिलेंगे, गीता गोपीनाथ भी आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर बी। शक्तिकांत दास का संबंध है आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं और एसबीआई के चेयरपर्सन हो जाते हैं दिनेश कुमार खारा। सभी को क्लियर? देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में पूछा गया है एक जिला एक उत्पाद को ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आपको वीडियो को रोकना है, कमेंट में लिखना है इसका उत्तर, फिर आपको देखना है बढ़ाकर क्या होने वाला है इसका उत्तर। इसका उत्तर तो होगा उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं अगला सवाल, विंबलडन पुरुष एकल के खिताब के बारे में पूछा हुआ है। तो पूरी ग्रैंड स्लैम की वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, यह तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम होता है। इसे किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, पुरुष एकल का। एलिना रिबकीना होती हैं, कजाकिस्तान की होती हैं। तो इन्होंने महिला एकल का जीता हुआ है सर। राफेल नडाल जीतेंगे, कौन कौन सा सर जीतेंगे? सबसे पहला जीतेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतेंगे, इसके बाद फ्रेंच ओपन भी जीतेंगे, इसी के साथ 22 ग्रैंड स्लैम, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे स्पेन के राफेल नडाल। और कार्लोस अल्करेज भी स्पेन के हो जाएंगे, है ना? कहां के हो जाएंगे सर? स्पेन के हो जाएंगे। और आपको यह भी अच्छे से याद रखना है, इन्होंने US ओपन जीता हुआ था सर। क्या जीता हुआ था? स्पेन के ये भी हो जाएंगे, US ओपन इन्होंने जीता हुआ है पुरुष एकल में। रोजर फेडरर के नाम है 20 ग्रैंड स्लैम और तीसरे नंबर पर आते हैं ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में। हम देख रहे हैं अगला सवाल, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस ये तो मनाया जाएगा सर 26 जुलाई को, हमने पढ़ा हुआ है 26 जुलाई को मनाया जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाएगा सर? 28 जुलाई को मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में पूछा हुआ है, ये कब मनाया जाएगा सर? 29 जुलाई को मनाया जाएगा। और विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाएगा? यही होना चाहिए इसका उत्तर। जी नहीं, यह भी मनाया जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाएगा। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 11 जुलाई को क्या होता है सर? विश्व जनसंख्या दिवस होता है सर। विश्व जनसंख्या दिवस होता है सर। इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, हाँ या ना? सभी को क्लियर? देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? अगले सवाल में पूछा गया है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या उत्तराखंड? इसका उत्तर होने वाला है उत्तराखंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, पूरे प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे इससे। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन जाता है? होलोंगी, इंदौर, लेह या चेन्नई? तो इसका उत्तर तो होने वाला है लेह। होलोंगी हो जाता है ईटानगर में हो जाता है। ईटानगर कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नया नाम क्या हो गया सर? डोनी पोलो हवाई अड्डा हो गया है। इसका नया नाम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बढ़ रहे हैं आगे, देख रहे हैं अगला सवाल। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है? 131, 133, 135 या 140? इसका उत्तर होने वाला है 135। आइसलैंड आएगा शीर्ष स्थान पर, यह भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है। 15 जुलाई को क्या होता है सर? तो बाकी सारे हमने देखे हुए हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, नीचे लिखकर बताना है क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। 23वां सवाल, 24वां है, कौन सा शहर SCO शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन गया है? जयपुर, वाराणसी, अयोध्या या गांधीनगर? तो हमने देखा हुआ है कि वाराणसी किसका? नरेंद्र
मोदी जी का लोकसभा स्थल हो जाता है, लोकसभा क्षेत्र हो जाता है वाराणसी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। बिल्कुल, देख रहे हैं अगला सवाल। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितने प्रतिशत होने वाली है, यह पूछा गया है। 0%, 5%, 10% या 18%, कितनी होने वाली है आपको अच्छे से बताना है। तो इसका उत्तर होने वाला है 0, यहां पर लिखा भी हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी आपको पढ़ना है। नो जीएसटी मतलब 0 GST, कोई भी GST नहीं, 0 होने वाला है इसका उत्तर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा शुरू की है, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या उत्तराखंड। तो इसका उत्तर भी होने वाला है उत्तराखंड, आपको क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं अगला सवाल। सिंगापुर ओपन महिला एकल किसने जीता, यह सवाल है। यह किताब किसके पास है, साइना नेहवाल है या PV सिंधु है। आगे तो हमको देखना ही नहीं है सर, क्योंकि हमको सा मिल गया है। क्या क्या मिल गया है सर, सा मिल गया है, एक है साइना नेहवाल, एक है PV सिंधु। तो हमने कुछ पढ़ा हुआ था कि सर सा से जहां आता है वही सिंगापुर का, सैयद मोदी का और स्विस कप का विजेता हो जाता है, हाँ या ना। देखा था हमने पहले के वीडियोज में, देखा हुआ है। तो सा तो सर हमको साइना नेहवाल में मिल गया, PV सिंधु में भी मिल गया, यहां पर कहीं हमको सा नहीं मिल रहा है। तो ये तो होने ही नहीं वाला है, इसको हम पढ़ने ही नहीं वाले हैं, इनमें से कोई नहीं भी होने ही नहीं वाला है, क्योंकि सा हमको मिल चुका है। बिल्कुल, तो PV सिंधु हो जाएगा इसका उत्तर, ये नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज आप हो सकते हैं परीक्षा में। सैयद मोदी सिंगापुर और स्विस, सैयद मोदी सिंगापुर और स्विस जीतेंगे, PV सिंधु तस्वीर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी विश्व कप महिला का जीतेगी नीदरलैंड, याद होना चाहिए। देख रहे हैं अगला सवाल। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान ही होने वाला है, हमने पढ़ा हुआ है। अन्य विकल्प छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान राज करेंगे यहां पर डिजिटल रूप से लोक अदालतें, आपको क्लियर होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या महेंद्र सिंह धोनी है, सौरव गांगुली है, विराट कोहली है या युवराज सिंह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प नंबर 2 सौरव गांगुली होने वाला है। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, चीतों की बात की जा रही है। तो हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हुआ था, सुर्खियों में देखा हुआ था, लिखा हुआ था, चीते को कौन ले आया है, शेर ले आया है, शेर ने लाया चीता, शेर बोला गया था नरेंद्र मोदी जी को, और चीते ले आए गए हैं नामीबिया से, 8 चीते ले आए गए हैं। कितने चीते, 8 चीते ले आए गए हैं, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अपने बर्थडे में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहां छोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है, सर पहले मानव यात्री ड्रोन और वरुणा का शुभारंभ किया है, सर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वरुणा की बात की जा रही है सर, तो कहां किया जाएगा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या नई दिल्ली, इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली, सभी को क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, आपको क्लियर होना चाहिए। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है, सर कौन सा राज्य शीर्ष में आता है। तो पहला सवाल यह भी बन सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका उत्तर तो होने वाला है नीति आयोग होने वाला है, इसका सही उत्तर सभी को क्लियर होना चाहिए। और इनोवेशन हम ड्रामाज में करते हैं, नाटक में करते हैं, तो यहां पर आपको कर नाटक दिखाई देगा, ड्रामा दिखाई देगा, और ड्रामा किसमें होगा सर, इनोवेशन में होगा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कर्नाटक होने वाला है। किसी को दिल में नहीं लगाना है, याद करने के लिए बातें हैं, याद करिए और आप परीक्षा क्लियर करिए सर। बिल्कुल,
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन सा बन गया है? सर, बहुत ही गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के लिए हृदय प्रदेश है। यह फिल्मों का भी हृदय प्रदेश और भारत का भी हृदय प्रदेश है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाल बजट भी यहां पर पेश किया गया था, तो हमने पढ़ा था बच्चे भी रहते हैं हृदय में, मध्य प्रदेश भी रहेगा हृदय में और फिल्मों के लिए भी हृदय में बसेगा। बिल्कुल हाँ या ना, सभी को क्लियर होना चाहिए। 15वें प्रधानमंत्री यहां पर पूछा गया है सर, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश गुणवर्धने है, रानिल विक्रमसिंघे, गोटबाया राजपक्षे या महिंदा राजपक्षे, क्या हो जाने वाला है? तो ये तो हो जाएंगे, रा से लिखा है रानिल विक्रमसिंघे और रा से होता है राष्ट्रपति। क्या होता है सर? राष्ट्रपति होता है, तो ये तो राष्ट्रपति होने वाले हैं श्रीलंका के। दिनेश गुणवर्धने इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महिंदा राजपक्षे थे। इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? गोटबाया राजपक्षे से आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं हम अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला हुआ है सर? अगले सवाल में आपसे पूछा गया है किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? तो हमने देखा है हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर बन गया है पहला, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, आपको क्लियर होना चाहिए। जुलाई 2022 की बात की जा रही है। भारत और किस राज्य के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है सर? बिल्कुल, तो भारत और किस, यहां पर सर जुलाई की बात की जा रही है। क्वेड कंट्रीज के बीच में आप देखेंगे समुद्री साझेदारी अभ्यास होता जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है सर कि अभी हमने जापान पढ़ा, कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लिया, ये क्या हो रहा है सर? इस प्रश्न का सही उत्तर तो होने वाला है जापान। जापान जुलाई, जापान जुलाई आप याद कर सकते हैं। जुलाई माह की अगर बात करेंगे 2022 की, तो जापान के साथ होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं अगला सवाल, किस राज्य में पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की गई है? तो अगर हम बात कर रहे हैं नवंबर की, तो नवंबर 2022 में असम में भी ला दी गई है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है जुलाई 2022 की। सही उत्तर होने वाला है झारखंड, झारखंड होने वाला है नई पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत करने वाला राज्य। 39वां सवाल है, किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तस्वीर आप देख सकते हैं, रघुराम राजन जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, गीता गोपीनाथ भी नहीं लग रहे हैं, शक्तिकांत दास भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी हम जानते हैं। इंदरमीत सिंह गिल हो जाता है इसका सही उत्तर, यही होने वाला है इसका उत्तर, आपको क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं अगला सवाल, स्वर सम्राट फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? स्वर सम्राट फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जहां पर स्वर के सम्राट लोग रहेंगे, मतलब जो लोग की बातों में दम रहता है वो लोग रहेंगे, मतलब जो अपनी बातों से संसद में कानून बना सकते हैं वो लोग रहेंगे। तो स्वर सम्राट मैं उन्हीं को मन में रखकर याद करूंगा सर, वो लोग रहेंगे कहां? दिल्ली में रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, स्वर सम्राट फेस्टिवल दिल्ली हो जाएगा। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगों में कौन सा जानवर है? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको बताना है कि मैंने बताया था कि सावज हो जाता है, सावज हो जाता है इसका शुभंकर, और ये एक शेर है, शेर है, सिंह है, बाघ से कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल सभी को क्लियर होना चाहिए, शेर है, लॉयन है। 44वां चेस ओलंपियाड कहां शुरू किया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका उत्तर होने वाला है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में होने वाला है, हो चुका है। अब ये जुलाई की बात की जा रही है। किसान लोग पर्व हरेली कहां मनाया जाता है? हरेली की बात की गई है सर, अगर हरेला की बात की जाती, हरेला की बात की जाती, हरेला हो जाएगा उत्तराखंड में, यूके में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? यूके, इंडिया वाले यूके में हो जाएगा। क्या? हरेला, हरेला यूके,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा हरेली और उत्तराखंड में हो जाएगा हरेला, सभी को क्लियर होना चाहिए। देखते हैं अगला सवाल, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर किया गया है? लीसेस्टर लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर किसका नाम है? लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को, लीसेस्टर सुनील गावस्कर, लीसेस्टर सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर 1983 के एक महान क्रिकेटर हैं, महान बल्लेबाज रह चुके हैं सुनील गावस्कर। महात्मा गांधी, विपिन रावत या नरेंद्र मोदी, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं अगला सवाल, सर विंस्टन चर्चिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं? बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंजेला मार्कल है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। व्लादिमीर पुतिन? बिल्कुल नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो उत्तर क्या होगा सर? बिल्कुल पहला विकल्प ही आपका उत्तर होने वाला है। आपको सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। आप देख सकते हैं तस्वीर, वोलोडिमीर जेलेंस्की हो जाता है विंस्टन चर्चिल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन पर हमला किया है व्लादिमीर पुतिन, रूस पर, रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की बात की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था सर? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था भारत में? 1973 में लॉन्च किया गया था। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर 28 जुलाई हम पहले ही देख चुके हैं। 28 जुलाई नहीं होगा क्योंकि इस दिन हेपेटाइटिस दिवस हो जाता है, 29 जुलाई होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और अगर हम 29 अगस्त की बात करते हैं सर, 29 अगस्त की बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होने वाला है सर, राष्ट्रीय खेल दिवस होने वाला है सर, मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, उन्हीं के सम्मान में यह मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस प्रश्न का सही उत्तर 29 जुलाई होने वाला है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, 47वां सवाल है, मंजिल अब पास ही है, 50 प्रश्न आपके हाथ में आने वाले हैं, सिलेक्शन आपके पास में आने वाला है। बिल्कुल, जुलाई 2022 में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOL लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो 5G की अगर बात कर रहे हैं तो भारत में कब लॉन्च होती है सर? 1 अक्टूबर 2022 में आता है 5G भारत में, सभी को क्लियर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर गुजरात हो जाता है। बिल्कुल पढ़ रहे हैं 48वां सवाल, 48वें सवाल में कराची उत्सव के बारे में पूछा गया है, तो यह हो जाता है त्रिपुरा में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में नहीं होता है सर। अगला सवाल आपसे, मिंजर मेला कहां आयोजित होता है? यह हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में, मेघालय में या मणिपुर में? तो इसका उत्तर होने वाला है हिमाचल प्रदेश। 50वां सवाल मैं आपसे करूंगा, 50वां सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या करने वाला हूं सर? आपको स्थान बताना है, आपको स्थान बताना है, भारत का स्थान बताना है। किसमें किसमें बताना है सर? राष्ट्रमंडल खेलों में बताना है, हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में और इसके अलावा आपको ओलंपिक कौन से वाले सर? 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान बताना है, यह प्रश्न आपके लिए। और पहले भी मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछे हुए थे, तो यह रहे सर जुलाई माह के सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल। इसी प्रकार हम पूरा वर्ष देखने वाले हैं और आपके लिए शानदार क्लासें कॉमर्स इजली, SSC बैंकिंग इजली, साइंस इजली पर आ रही हैं लगातार। इसी तरह आप जुड़े रहें, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, अपना आपको ध्येय याद रखना है। आप ना सिर्फ पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के लिए, बल्कि आपको अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ करके दिखाना है। इसी ध्येय के साथ हम मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। इसलिए टीम की तरफ से जय हिंद।